इस वीडियो में मैं फुल रिव्यू करने वाला हूँ फाइबरसेल ONT के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्राइस कितनी होती है, इसकी वाईफाई रेंज कितनी होती है और इसका स्पीड कितना तक सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप ONT लेते हैं तो इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा। एक आपको तो ONT मिलेगा जो काफी दिखने में काफी अट्रैक्टिव है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें डबल एंटीना है और इसके बैक और फ्रंट लुक काफी अच्छा है। उसके साथ एक मिलेगा आपको इथरनेट केबल जिससे आपके लैपटॉप को कनेक्ट बहुत आसानी से सकते हैं। उसके साथ मिलेगा एक आपको RJ48 मिलेगा जिससे आप टेलीफोन को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारा टेलीफोन को कनेक्ट कर दिया। उसके साथ एक आपको चार्जर मिलेगा जो 12 वोल्ट का रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने मल्टीपल यहाँ पे एक ही कंपनी का क्यों लिया है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया इसके साथ क्या क्या आएगा, और दूसरे मॉडल में हमने ये दिखाया है यहाँ पे कि अगर ये मॉडल आपने डायरेक्ट अभी लगाया अपने फाइबर से तो आप में लिंक कौन कौन सा मिलेगा। आपको सिंक्रोनाइजेशन मिलेगा, ऑन मिलेगा, पावर मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, क्योंकि अगर ये फाइबर लगाया अब लगा हुआ है। जैसे ही आप इस मॉडम को कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो कॉन्फ़िगर करने के बाद इसमें आपको इंटरनेट का LED आ जाएगा। अगर आप वॉइस के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, मतलब वॉइस का जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करेंगे स्टैटिक IP से, आप इसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप कैसे मालूम चलेगा कि हमारा जो फाइबर है वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका पॉन लाइट चल रहा है, मतलब ये सही लाइन है, लॉस LOS, मतलब ये अगर ये वाला लाइन ब्लिंक कर रहा है तो समझ जाइए कि आपका फाइबर कहीं ना कहीं पे ब्रेक हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको फाइबर को ब्रेक करके दिखाते हैं। ब्रेक करने का मतलब इसे कनेक्टिविटी को हम हटाते हैं। कनेक्टिविटी जैसे ही हम हटाएंगे, देखिए LOS वाला लाइट आ रहा है, LOS वाला लाइट आने लगा तो इससे मालूम चल गया कि हमारा ये फाइबर कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है। जैसे ही आप लगाइएगा उसके बाद क्या होगा, P1 पॉन वाला लाइट स्टेबल हो जाएगा। अब हम आते हैं कि इसमें इतने सारे LED का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक वाईफाई का दिख रहा है, यहाँ पे एक इंटरनेट का LED आ रहा है, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अगर कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से भी नहीं करते, कुछ एरर आ जाएगा जिसके कारण भी इंटरनेट नहीं आएगा। उसके बाद FXS वाला LED है। FXS वाला LED का मतलब ये है कि अगर आपने वॉइस के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं तो इसके साथ आप टेलीफोन का अनलिमिटेड कॉलिंग का फैसिलिटी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो ONT है, अभी हमने जो प्लान लिया है वो 1277 का है, जो 100 MBPS का प्लान है। इसमें हम देखते हैं कि स्पीड कितना मिलते हैं। तो स्पीड के लिए सबसे अच्छा साइट होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये fast.com है। अभी देखिएगा, अभी स्पीड आपके सामने ही दिखेगा कि अभी स्पीड कितना मिलता है। अभी स्पीड थोड़ा टाइम के अनुसार थोड़ा थोड़ा वेरी करते रहता है, फिर भी अभी 64 MBPS मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छा है। ये हमारा डाउनलोडिंग स्पीड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड कितना मिल रहा है। अपलोडिंग स्पीड भी अबाउट 60 प्लस मिल रहा है, तो भी ये काफ़ी अच्छा स्पीड है। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी हमारा सारा इंटरनेट चल रहा है। मान लीजिए अभी हमारा कहीं फाइबर ब्रेक हो जाए, जैसे ही फाइबर हमारा ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद आपका देखिए यहाँ पे इंटरनेट का LED चला गया, उसके साथ साथ आपका वॉइस का भी LED अभी ये चला जाएगा। देखिए, वॉइस का भी चला गया तो आप कंप्लेन बोल दीजिए कि आपका फाइबर कहीं ब्रेक हो चुका है। उसके साथ वो सर्विस प्रोवाइडर आपका आके वो कहीं ज्वाइंट कर देंगे तो आपका इंटरनेट फिर से आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि अभी आप मैंने जो शुरू में ही बोला था, इसकी प्राइस अबाउट 3000 के आसपास मिलती है, और उसके साथ साथ इसका वाईफाई रेंज होता है वो अच्छे रेंज के लिए आपको 30 मीटर के सर्कल में रहना पड़ेगा, तो काफ़ी अच्छे स्पीड मिलेगा। लेकिन इसका स्पीड 40 मीटर तक भी थोड़ा थोड़ा तो मिल जाता है। उसके साथ हम बात करें ये कितने स्पीड तक सपोर्ट करता है, तो ये 300 MBPS से तक बहुत आसानी से स्पीड को सपोर्ट करता है। वहीं हम बात करें टेलीफोन, ये FTTH कनेक्शन है तो ये वोल्ट में हाई क्वालिटी HD क्वालिटी में वॉइस कॉलिंग की फैसिलिटी हमें उपलब्ध कराता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में अब देखते हैं कि इसको कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वही आपका सेम मेथड है 192.168.1.1। अब हम उसको नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ओके, थैंक यू। इसके लिए आपको 3-4 मिनट इस वीडियो को कंटिन्यू करना पड़ेगा, जिससे मैं आपको वॉइस कॉन्फ़िगरेशन की फुल मेथड आपको बहुत आसानी से समझा सकूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट को। अब हम फाइबरसेल ONT को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या क्या हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, URL में आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 192.168.1.1।
जैसे ही आप टाइप करिएगा उसके बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो आपका यूजर नेम जनरली रहेगा एडमिन ही रहेगा, और पासवर्ड ये अभी डिफॉल्ट में अगर न्यू ओएनटी लेते हैं तो उसके साथ आपको ONU@1234567 होगा, जिसके बाद आप इसके अंदर लॉग इन हो जाइएगा। जैसे ही आप लॉग इन होंगे तो आपको दिख जाएगा बहुत सारा ऑप्शन, आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर हम वॉइस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वाईफाई नेम हम कैसे देंगे और पासवर्ड हम कैसे सेट करेंगे, और उसके साथ मैं आपको बता दूंगा कि हम पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं आपका इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे जो पहली बार जो दिया रहेगा, तो ये सब डिफॉल्ट में दिया रहेगा, इसको आप क्या कर दीजिए, सबसे पहले आप डिलीट कर दीजिए। जैसे ही आप डिलीट करिएगा आपको एक न्यू सेटअप दिख जाएगा, न्यू सेटअप दिखेगा तो इसमें आपको क्लिक करना है ऐड पे, ऐड कीजिएगा तो अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है इंटरनेट के लिए। इंटरनेट के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इंटरनेट के लिए आपको PPOE में कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसके बाद आपको एक विलन दिया रहेगा, जैसे कि अभी हमारा एक विलन है अभी 136। उसके बाद हम कितने डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने 7 दे दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, तो अभी हमें एक हमारे पास एक यूजर नेम और पासवर्ड है उसको हम देखते हैं। जैसे अभी हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड है, एक यूजर नेम पासवर्ड अभी हमें आपको दिख रहा है ये है। उसके बाद ये जो यूजर नेम और पासवर्ड होगा ये सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करेगा। अभी हम इसके अंदर अभी आप देख सकते हैं अभी हमारा इंटरनेट अभी नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपका इंटरनेट का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका वॉइस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। वॉइस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अभी आप देखिए यहाँ पे अभी इंटरनेट एक्सेस अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो गया, जिससे मालूम होगा कि अभी हमारा कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसका वॉइस कॉन्फ़िगरेशन। वॉइस कॉन्फ़िगरेशन के लिए करना है तो आपको इसमें न्यू सर्विस ऐड कर दीजिए, जैसे ही ऐड करिएगा तो नया आ गया। आप देखिए यहाँ पे हमने वॉइस के लिए दे दिया, वॉइस के लिए आपका सर्विस प्रोवाइडर का विलेन एक आईडी रहेगा, लेकिन इसके पहले सबसे पहले आपको PPOE को PIPOE कर देना पड़ेगा। उसके बाद स्टैटिक आईपी एक फिक्स स्टैटिक आईपी से ही आपका चलता है। उसके बाद एक विलेन आईडी सारे सर्विस प्रोवाइडर का अलग अलग रहता है, तो हम यहाँ पे एक 1830 दे दिए, यहाँ पे आप 7 हम दे दिए 7 डिवाइसेस के लिए। उसके बाद आपको एक आईपी मिलेगा, जैसे अभी हमारे पास एक आईपी है वो अभी हम यहाँ पे आपको देके अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक आईपी था, उसके बाद हम यहाँ पे अभी हम सबनेट मास्क दे दिए, उसके बाद एक डिफॉल्ट गेटवे दे दिए। डिफॉल्ट गेटवे के बाद एक प्राइमरी DNS और सेकेंडरी DNS क्या रहेगा, ये सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि अभी हम BSNL के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आपका प्राइमरी DNS और सेकेंडरी DNS पूरे ऑल इंडिया में सेम रहेगा। उसके बाद IP एड्रेस सबनेट और डिफॉल्ट अपने सर्विस प्रोवाइडर से एक बार पूछ लीजिएगा, तभी आप वॉइस के लिए कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। अभी देख सकते हैं इंटरनेट यहाँ पे अभी एक्सेस हो रहा है। अब हमारा वॉइस का फर्स्ट स्टेप हो गया, उसके बाद अभी ये वॉइस नहीं आएगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन में जाएंगे आपको एक और वॉइस देने के लिए आपको एप्लीकेशन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा VOIP आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख दीजिए, यहाँ पे हमने 1830 डाल दिया। उसके बाद ये अभी हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर ये BSNL का ये जो कि सभी आपके सर्कल वही सर्कल तक ये डिफेंड चेंज होगा। जैसे कि मैं अभी ये कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ ये असम सर्कल के लिए। अब उसके साथ साथ आप अकाउंट नंबर मतलब आपका टेलीफोन नंबर भी डाल दीजिए, ताकि ये वॉइस से आपका वॉइस एक्टिवेट हो जाए। जैसे कि अभी हमारे पास एक नंबर है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो होता है BSNL के लिए 0004 टाइम्स होता है, लेकिन एक बार अपने सर्विस प्रोवाइडर से पूछ लीजिए, अगर वो मैच नहीं करेगा उनका जो सॉफ्ट क्यूच होता है उसके साथ अगर मैच नहीं किया तो आपका यहाँ पे नहीं चलेगा। उसके साथ साथ हम देखते हैं इसका स्टेटस अब क्या आ रहा है। अभी देखिए अभी हमने वॉइस के लिए कर लिया, अब इसके दोनों के लिए कर लिया, तो यहाँ पे देखिए इंटरनेट के लिए आपका कनेक्टर दिखा रहा है, वॉइस के लिए कनेक्टर दिखा रहा है, इससे मालूम चल गया कि हमारा इंटरनेट और वॉइस दोनों अभी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे इसका
इसका वाईफाई नेम और पासवर्ड हम क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए नेटवर्क में जाना है और जितना भी वाईफाई का काम होगा WLAN 2.4G में काम होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SSID यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दे रहा है, मतलब यहाँ पे आप 4 वाईफाई तक बना सकते हैं। जैसे कि अब हमने दे दिया फाइबर, यहाँ फाइबर हमने नया नाम दे दिया इसका फाइबर, यहाँ पे हमने दे दिया सुमित, जैसे कि मैंने अपना नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड, पासवर्ड आपको देनी होगी। तो पासवर्ड आप देखिए, जैसे कि मैं अभी दे रहा हूँ 128 दे दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस अप्लाई करना है। अप्लाई जैसे ही करेंगे आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका नाम और ये वाईफाई आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देखिएगा यहाँ पे हमारा वाईफाई और ये अभी हमने ये क्रिएट कर लिया है। आप देखिए यहाँ पे हमारा एक वाईफाई अभी ये बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये डिसेबल ब्रॉडकास्टिंग, मतलब ये क्या हो जाए वाईफाई को हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा SSID पे यहाँ पे, उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका वाईफाई आपका क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, वाईफाई जनरेट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए अब आप चाहते हैं कि इसका वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है, तो पासवर्ड चेंज करने के लिए सेम प्रोसेस, सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको WLAN में ही जाना है। WLAN में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको WPA प्री शेयर की होगा इसको आपको हटाना है। उसके बाद अपने हिसाब से आपको पासवर्ड एक सेट करना है जो एटलीस्ट 8 डिजिट का हो। उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपका पासवर्ड भी चेंज हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और भी कई सारे ऑप्शन हैं जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसमें अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है अभी ये सेटअप के लिए। अब देखिए यहाँ पे अभी हमारा ये पूरा वॉइस और इंटरनेट ये सारे कॉन्फ़िगरेशन हो चुके हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन भी है कई सारे, सिक्योरिटी के लिए अभी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप पर्सन को भी, मान लीजिए किसी को आप हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैक फिल्टर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही अनेबल करेंगे मैक फिल्टर में, आप इसमें ब्लॉक लिस्ट के अंदर किसी को भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं ब्लैक लिस्ट में। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर जैसे ही आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो, इस डिवाइस को एक बार आप रीबूट कर देंगे, जैसे ही आप रीबूट करेंगे आपका ये डिवाइस पूरी तरीके से सेटअप हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा इंटरनेट कितना आ रहा है। जैसे कि हमने पूरी तरीके से ये अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, अब हम इंटरनेट का इसका स्पीड देख रहे हैं केबल से। तो केबल से आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारे इंटरनेट जो 100 Mbps वाला प्लान है BSNL का 1277 वाला, उसमें आपको 50 Mbps ही मिल रहा है, जो कि अभी आपके पर्सनल काम के हिसाब से काफ़ी अच्छा सर्विस है। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं, अगर आप उसके बाद जैसे ही पूरा कनेक्शन आपका सेटअप हो, इसको एक बार आप रिबूट कर लीजिए। रिबूट करने के बाद आपका जितना भी कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है वो पूरा सेट है। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे आप एक चीज़ हमेशा चेक कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी देख सकते हैं कि अभी हमारा जो डिवाइस है ये अभी कौन सा डिवाइस से कनेक्ट है, जैसे ये मेरा लैपटॉप का है। उसके बाद आपको एक चीज़ हमेशा देखना है, PON PON कनेक्शन स्टेटस हमेशा देखिएगा कि आपका ये कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ये कनेक्टेड नहीं हो गया, ऑफलाइन दिखाएगा, तो आपका कहीं ना कहीं फाइबर ब्रेक हो चुका है। उसके बाद आप ट्रांसमिटिंग पावर और रिसीविंग पावर, ट्रांसमिटिंग पावर प्लस से लेके -30 dBm तक है तो बहुत अच्छा स्पीड मिलेगा। रिसीविंग पावर भी वही प्लस से लेके +5 से लेके -30 dBm तक मिल रहा है, तो इसमें स्पीड काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन जैसे ही -50 आ गया, तो इसी कंडीशन में आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को कंप्लेन कीजिए कि आपके फाइबर में पावर कम आ रहा है, लॉसेज ज़्यादा है। तो उस लॉसेज को वो लोग जैसे ही फाइबर को फिर से अच्छे से ज्वाइन कर देंगे, तो आपका यहाँ पे पावर अच्छा मिलने लगेगा, जिससे आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी और स्पीड भी काफ़ी अच्छा मिलने लगेगा। ओके, थैंक यू। अब हम इस मॉडम को रिबूट कर देते हैं। अब रिबूट करने से क्या होगा, सारा सेटअप हो जाएगा। उसके बाद हम उसके बाद कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा इस मॉडम से रिलेटेड। ओके, थैंक यू। मैं यहाँ पे रिबूट कर रहा हूँ।